ये बात समझ में आई? अरे जो मैंने कहा बात समझ में आई? मैंने क्या कहा? एक एक आदमी के जबान खुले मतलब सुभान अल्लाह कहा, और हाथ उठे तो पता चल जाएगा कौन सुभान अल्लाह बोलना पसंद नहीं करता। उसको उस कगार में खड़ा करो जैसे लोग रोड पे खड़े होते हैं। जब भाई वो कैसा मुसलमान होगा जिसे सुभान अल्लाह बोलना पसंद नहीं है? बहुत इबादत गुजार तो हो नहीं कि आज तहज्जुद की नमाज तुम्हारी छूट रही है, पता नहीं जुमा भी पढ़ता होगा कि नहीं। मैं पढ़ता हूँ, एक एक आदमी अपनी जगह पर तैयारी करे। न तुम चलाते दुनिया ना हम चलाते हैं, चलाते हैं। न तुम चलाते हो दुनिया ना हम चलाते हैं। क्या कहेंगे? चलाते हैं। ना तुम चलाते हो दुनिया ना हम चलाते हैं। खुदा के फजल से, खुदा के फजल शाहे उम्मा चलाते हैं। खुदा के फजल से शाहे उम्मा। बहुत दिनों के बाद इतना खिखर मजमा मिला, बहुत दिनों के। मैंने ऐसा बहुत कम होता है कि मैं पढ़ूं और मजमाना बोले, ऐसा बहुत कम होता है। जब मैं बोलने लगूं तो उसको दबा देना ताकि आवाज़ प्लेन हो जाए। एक तो ऐसे ही गूंगा है और उसके बाद से तुम और गूंगा बना दे रहे हो। न तुम चलाते हो, न तुम चलाते हो दुनिया, न हम चलाते खुदा के फजल से शाहे। बहुत अच्छे। जरा सा जुबान चलाइए और मेरे साथ गुनगुनाइए। खुदा के फजल से शाहे उम्मम। माशाल्लाह, ये चंद मेरे भाई पढ़ रहे, कितना अच्छा लगा। अगर सारा भाई मिलकर पढ़ता और अच्छा लगता। बहरहाल टाइम की कमी है, और जब टाइम की कमी हो तो मुझे दावत नहीं देना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं एक डेढ़ घंटा एक ही बार पढ़ता हूँ, दो तीन बार का चक्कर मेरे पास रहता नहीं। मैं अगला शेर जो पढ़ने वाला हूँ, मैंने आज तक जहाँ भी पढ़ा पूरा मजमा खड़ा होकर इस्तकबाल किया है। आज सिर्फ आप हाथ ही उठा लेना, मैं समझ लूंगा कि मैं बहुत कामयाब हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जहाँ लोग बोलने के लिए तैयार ना हो वो हाथे उठा ले तो मैं जिंदगी भर एहसान मानूंगा आपका। हाँ, एक शेर पढ़ देता हूँ। नसीब पहले, नसीब पहले मदीने में लाया जाता है। नसीब पहले मदीने में लाया जाता है। सुने भाई, जरा स्टेज भी सुने, क्या कहने। नसीब पहले सुभान अल्लाह मदीने में लाया जाता है। फिर उस पे शाहे मदीना कलम चला। अफसोस तो हुआ
जैसे हसन भाई कह रहे कि कुछ कहो ना कहो जो अच्छे अशार मुझे सुनाने वो मैं सुनाऊंगा। तो एक और शेर मैं आपको सुनाता हूँ, सुनो ना सुनो मर्जी आपकी, जो हाल आयन का है वही गैन का भी है। किससे कहें, एक शेर पढ़ता हूँ। बगैर पानी के कश्ती नहीं चला करती। हाँ हाफिज नियाज़ अहमद साहब हैं कि कहीं गए? अच्छा कहीं गए हैं। मैं पढ़ता हूँ, हाफिज या मौलाना अकबर वारसी साहब हैं? अच्छा आप हैं। कभी कभी मुस्कुर शब्बीर। अच्छा ख्वाजा शब्बीर साहब, माशाल्लाह कौन है? अच्छा मैं आपकी तरफ से एक शेर पढ़ता हूँ, मैंने हैदराबाद में आपको सुनाया था, आज आपके शहर में आपके गांव में सुना रहा हूँ। तो वो ये जो शेर पढ़ रहा था उसको मैं थोड़ी देर बाद पढ़ूँगा, अभी एक शेर ख्वाजा साहब के हवाले से, अल्लामा इस्माइल साहब के हवाले से, अल्लामा हसन रजा अतहर साहब क़िबला के हवाले से आप तक पहुँचा देता हूँ। सुनना ना सुनना ये आपकी मर्ज़ी है, मेरा काम था आना, मैं आ चुका हूँ। कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि दिलबर शाही नहीं आया था, मैं ही दिलबर शाही हूँ। हाँ जी मेरे ही कोयल जैसी आवाज़ है, हाँ मेरे ही आवाज़ है, कौए जैसी आवाज़, गुरैया जैसी आवाज़, बुलबुल जैसी आवाज़, सब आवाज़ मेरे ही है। हाँ मैं वो शेर पढ़ देता हूँ, सुन लीजिए। मजारे ख्वाजा, मजारे ख्वाजा, मजारे ख्वाजा से आवाज़ आ रही है ये। हाँ क्या कहने, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। आइंदे से ये जितना भी कैमरा वाला है एक भी रहना नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी, मुझे सस्ती शोहरत चाहिए ही नहीं, मुझे सस्ती शोहरत चाहिए ही नहीं। ये इतना छोटा छोटा काट के डाल देगा कि दिलबर शाही ने ऐसा कहा था, दिलबर शाही ने यह किया, दिलबर शाही गुस्से में, दिलबर शाही बढ़िया पढ़ते हुए, ये कभी नहीं डालेगा, ये कभी नहीं डालेगा। जो हमने लगाएगा एक तरफ बाना, एक तरफ हनुमान, अरे इसे मुंह करके क्या हुआ, बोल बहुत मजा आया। या एकाद अगर कोई ऐसा शेर हो तो एक तरफ मोदी जी एक तरफ योगी जी, बीच में दिलबर शाही ऐसे करते हैं, अगर ऐसा देख लिया किसी भी चैनल में तो मान हानि का केस ठोक दूंगा। हाँ सुन लो मैं बता दे रहा हूँ, और जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ, सुन लो। इसलिए आइंदे से ये सामने मत लगाना, ये सामने रह करके ना और ज्यादा खराब करते हो, कुछ बोलता नहीं, सब चादर उधर ओढ़ के आराम से ऐसे किए हुआ, बढ़िया पढ़ेगा तो बढ़िया डालेगा। अभी पढ़ दीजिए ना नया कलाम, एक घंटा बाद मिल जाएगा, तुरंत एडिट करता है, तुरंत एडिट करेगा, तुरंत डालेगा। बेटा पहले कौन, ये काम नहीं करना, ये आप लोगों की वजह से लोग खामोश है, आप लोगों की वजह से लोग आना जाना नहीं कर रहा, इसलिए हाँ अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो अभी ये डिलीट मार देना। हमारा कलाम हमारे पास बहुत है, हमारा खुद का चैनल है, हमको सिल्वर प्ले बटन मिल भी चुका है, हमारे लिए वही काफ़ी है। हाँ बोलना हो तो बोलना, कमाएगा हमसे और देगा एको पैसा नहीं, और चुपचाप ऐसे करके बैठेगा। पढ़ता हूँ शेर, सुनिए। जो ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं वो एक बार हाथ उठाएं और कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेंज, अरे ये तो नया है, ठीक है, ये तो और जंग लगा हुआ है भाई, देखिए देख लीजिए क्या कहने हैं, कोशिश कर लीजिए। मैं इनकलाब की मंजिल को जीत तो लेता, मेरे मिजाज की बिल्ली ने रास्ता काटा। Thank you.
एक बार जो लोग ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं वो ख्वाजा के नाम पर हाथ उठाएं और कह दें सुभान अल्लाह। मजार ख्वाजा से मजार शेर मुझे पढ़ना था वो सुनाता हूँ। अल्लामा इस्माइल साहब कुबला की दुआएं चाहता हूँ, सुनिए। बगैर पानी के कश्ती नहीं चला करती, ये खंभा से इधर बोलना, ठीक है, उधर ऐसे भी चुपचाप जाओ। मजार ख्वाजा से आवाज आ रही है यही, ये क्या चाचा के भारत को चलाते हैं। एक शेर सुनाता हूँ के बगैर पानी के बगैर पानी के कश्ती नहीं चला करती, मगर वली तो हिंदुस्तान। एक शेर और पढ़ता हूँ, लेकिन पहले मिसरे में आपको इंशाअल्लाह कहना है, क्या कहना है, क्या कहना है? अब बस ये सुन लो, तो कह देंगे मेरा काम हो जाएगा। खुदा का आज़ाब
चलाते हो दुनिया।